क्यों आज पूरे भारत एक्शन स्टार विद्युत जमाल के वजह से प्राउड फील कर रहा है, और क्या आपको पता है पेन का फुल फॉर्म क्या है, और क्या हुआ जब एक रेस्टोरेंट के मालिक ने एक हिरन को चॉकलेट और कुकीज खिलाया, और क्यों एक लड़के को एक अदालत भी बोल दिया था निकाल पहले फुर्सत में निकाल। दोस्तों ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है थाईलैंड की नेशनल बुक यानी कि राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसे थाईलैंड भाषा में राम कियान कहते हैं, जिसका मतलब है राम कीर्ति, और ये बुक वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा रोलेक्स घड़ी की सबसे महंगी कंपनी है, जो कि एक एनजीओ द्वारा चलाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है रोलेक्स कंपनी इसके प्रॉफिट का 90% पैसा चैरिटी को ही डोनेट करता है, क्योंकि इस कंपनी का मालिक हंस विल्सडॉर्फ एक अनाथ बच्चा थे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है पेन का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों असल में पेन का फुल फॉर्म है पावर एनरिच्ड इन निब, पी से पावर, ई से एनरिच्ड इन, और एन से होता है निब। क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से ही पता था, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, पहले ये ऑडियो मैसेज को सुनो फिर मैं आपको बताऊंगा। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रोकें। दोस्तों किसी को कॉल करते टाइम आपने तो ये ऑडियो वॉइस जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस ऑडियो मैसेज में जिस महिला की आवाज सुनाई देती है उसकी नाम जोसलिन भोला है, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कोका एक ऐसे जानवर है जिसे इंसान का कोई डर नहीं है, और इसके चेहरे पर हमेशा कभी ना खत्म होने वाली एक हंसी बनी रहती है, और इसे दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट्स में आपको मजा जरूर आएगा। एक बार क्या हुआ था ना, एक हिरन एक रेस्टोरेंट में घुस गया, तो रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे कुछ चॉकलेट और कुकीज खाने को दे दिया, और वो हिरन वहां से चला गया। लेकिन इसके आधा घंटे के बाद वो हिरन अपने पूरे परिवार को साथ लेकर रेस्टोरेंट में आ गया, ताकि उनको भी खाना मिल सके। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट्स मेरे वो सिंगल भाइयों के लिए है जो कि प्यार की तलाश में है। दोस्तों हवाई में अगर लड़कियां अपने बाएं कान के ऊपर फूल रखते हैं तो उसका मतलब वो शादीशुदा है या फिर रिलेशनशिप में है, लेकिन अगर दाएं कान के ऊपर रखते हैं तो इसका मतलब वो सिंगल है और प्यार की तलाश में है। अगर आपको भी हवाई जाओगे तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस पे ट्राई करना है और किस पे नहीं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हम इंडियंस हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि द गेस्ट इज गॉड, और मानो जैसे ये वर्ल्ड टाइप ऑफ स्लोगन है। लेकिन क्या आपको पता है 2007 में स्कॉटलैंड ऐसे ही एक स्लोगन क्रिएट करना चाहता था, जो कि स्कॉटलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने में हेल्प कर सके। एक स्लोगन को क्रिएट करने के लिए स्कॉटलैंड को रिसर्च में 6 महीने लग गया, और इसके साथ साथ $162,990 की खर्चा भी आ गया। लेकिन स्कॉटलैंड को लास्ट में मिला वेलकम टू स्कॉटलैंड। सिर्फ वेलकम टू स्कॉटलैंड लिखने में 6 महीने के साथ साथ $162,980 बर्बाद। फैक्ट नंबर 7, आप जो इस इमेज में इस माउंटेन पीक को देख रहे हो, ये माउंटेन एवरेस्ट की पीक है जिसे एक एरोप्लेन से लिया गया है। इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको तो पता ही होगा ऑनलाइन गेम्स की एडिक्शन कितनी खतरनाक होता है, और ज़्यादातर टीनएजर ही ऑनलाइन गेम को खेलते हैं, जिसके चलते साउथ कोरिया में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 16 साल के कम उम्र के बच्चे रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते हैं, और इस लॉ को साउथ कोरिया में शटडाउन लॉ के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक घटना है स्पेन के अंडालुसिया का। यहाँ रहने वाला एक 25 साल के लड़का को उसके माता पिता ने पॉकेट मनी देनी बंद कर दी थी, इसके बाद उसने शिकायत की और मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन मजे का बात यह है कि अदालत ने उल्टे उसी को ही सजा सुना दी। अदालत ने उस लड़के को अगले 30 दिन के अंदर उसे उसकी माता पिता का घर छोड़ने को कहा, और इसके साथ साथ उस लड़के को अपने पैरों में खड़ा होने के लिए भी अदालत ने आदेश दिया और बोल दिया निकाल पहले फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं है तेरे इस घर को। फैक्ट नंबर 4, आप जो इस इमेज में इस चूहे का स्टैचू को देख रहे हो, असल में ये रूस में मौजूद है। ये स्टैचू को इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के फ्रंट में स्थित एक पार्क में बनाया गया है। असल में ये स्टैचू उन चूहों को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने साइंस रिसर्च के लिए अपने जान का भी बलिदान दी है, क्योंकि जब भी कोई जेनेटिक रिसर्च हो या कोई ड्रग्स मेडिसिन की टेस्ट हो, सबसे पहले चूहे के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने तो बी पार्क के दिल तोड़ के हंसती है मेरी गाने को जरूर सुना होगा, और उस गाने का वीडियो को भी जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये गाने में एक्टिंग करने वाले एक्टर अभिषेक सिंह असल में एक आईएएस ऑफिसर है।
उसके लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसके लव में ब्रेकअप हो गया था, तब उसने आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में वो आईएएस की तैयारी और आज वो सक्सेस के साथ आपके सामने है। इट्स रियली ए मोटिवेटेड फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर टू, आप जो इस घर को देख रहे हो यह घर एक कैमरे की तरह दिखाई दे रहा होगा। फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून में बेलगाम के एक फोटोग्राफर रवि हंगल ने कैमरे के आकार का यह 3 मंजिला घर बना दिया। रवि ने उस घर को बनाने में 71 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी कैनन, निकोन और एप्सन रखा है। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है एक्शन स्टार विद्युत जम्वाल ने टॉप 10 पीपल यू डोंट वांट मेस विथ इन द वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, जिस लिस्ट में पहले से ही रूसिया के प्रेसिडेंट पुतिन और मैन वर्सेस वाइल्ड की होस्ट बियर ग्रिल भी शामिल है। असल में ये लिस्ट में 10 ऐसे लोगों को जगह मिलती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो या फिर मार्शल आर्ट, वेट लिफ्टिंग, फाइटिंग, टाइकोंड और कराटे में माहिर हो। एक्टर विद्युत जम्वाल ने अपने मार्शल आर्ट की वजह से ये लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है। हमारे पूरे भारत को ऐसे ही एक्टर की जरूरत है, ना कि नेपोटिज्म एक्टर की। दोस्तों, इस लिस्ट में गीगा उग्रुभिटो पीरबजारी भी शामिल है। अगर आप उन लोगों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो लिंक आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।